तो गाइज आज के टाइम में एक कॉमिक बुक मूवी को दूसरी कॉमिक बुक मूवी से जोड़ने का एक ही फेविकॉल है और उस फेविकॉल का नाम है एंड क्रेडिट सीन। और लगभग हर एंड क्रेडिट सीन की ही तरह कैप्टन मार्वल के एंड क्रेडिट सीन ने हम फैंस को हिला के रख दिया। ऊपर से हम सुपर हीरो फैंस के लिए एवेंजर्स एंड गेम का एक एक हिंट वरदान की तरह है। प्लस क्योंकि कैप्टन मार्वल एक प्रीक्वल मूवी की तरह थी तो इसीलिए कैप्टन मार्वल मूवी का एंड क्रेडिट सीन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच के ब्रिज की तरह है, जहां इन्फिनिटी वॉर जिस डिवाइस के साथ खत्म हुई उसी डिवाइस के साथ कैप्टन मार्वल का एंड क्रेडिट शुरू हुआ। तो आइए इस एंड क्रेडिट के ब्रिज के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैप्टन मार्वल एंड गेम से कैसे जुड़ रही है। इस वीडियो में मैं कैप्टन मार्वल और एंड गेम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी अभी तक नहीं देखी तो पहले इस मूवी को देख लें फिर इस वीडियो को देखें। पर अपने इस ऑसम टॉपिक पर जंप करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे ऐप वर्क इंडिया जॉब सर्च के बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों आप में से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर हैं या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए वर्क इंडिया ऐप। ये एक टोटली फ्री जॉब सर्च ऐप है जहां डेली 500 से भी ज्यादा जॉब्स ऐड होती हैं। यहां आपको डायरेक्टली एचआर का नंबर मिलेगा जिनसे फोन पर बात करके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इस ऐप पे कोई फीस नहीं है, ना ही यहाँ आपके और आपके जॉब के बीच कोई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है। पर यहां आपको जो चीजें मिलेंगी वो है वेरीफाइड कंपनीज। तो अभी अपने करियर में चेंजेस लाने के लिए वर्क इंडिया जॉब सर्च ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जब जॉब सर्च की बात हो गई है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन से अपनी पहचान सामने लाने वाली कैप्टन मार्वल ने अपनी सोलो मूवी में इतनी धूम मचाई कि एक पॉइंट पर व्यूअर्स समझ ही गए कि क्यों निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को अब याद किया। पर असली मजा तो तब आया जब हमने कैप्टन मार्वल का मिड क्रेडिट सीन देखा। तो कैप्टन मार्वल एंड गेम से कैसे कनेक्ट हो रही है इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन पर ध्यान देना होगा। तो ये मिड क्रेडिट सीन शुरू होता है इन्फिनिटी वॉर के ठीक बाद से, जहां एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कंप्यूटर डिस्प्ले पर थैनोस की चुटकी से गायब हुए लोगों के बारे में दिखाया जा रहा होता है। ये वही शॉट है जो कि हमें एवेंजर्स एंड गेम के पहले ट्रेलर में भी दिखा था। और ये नजारा देख के अपनी दाढ़ी में कैप कहते हैं ये एक बुरे सपने की तरह है, जिसपे ब्लैक विडो कहती है कि उसने इससे भी अच्छे नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने देखे हैं। और तब हमें वहाँ निक फ्यूरी का पेजर दिखता है जो कि किसी नए पावर सोर्स से कनेक्टेड है। वहीं पर हम अपने ब्रूस बैनर को भी देखते हैं जिसने उस पेजर के सिग्नल को चलाए रखा था, पर उसी वक्त वो बंद हो जाता है, जिसपे ब्लैक विडो कहती है कि इसे वापस ऑनलाइन लाया जाए क्योंकि वो जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है जिसे निक फ्यूरी ने याद किया। और यहीं ब्लैक विडो को धप्पा करते हुए कैप्टन मार्वल उसके सामने आती है और उसके सामने आते ही कैरल का पहला सवाल होता है कि निक फ्यूरी कहाँ है। कट टू ब्लैक। तो अब यहाँ कुछ बातें सामने आती है। पहली ये कि जो जो लोग गायब हुए हैं उनका पूरा हिसाब लगाया जा रहा है। ये बात सच है कि एवेंजर्स जानते हैं कि थैनोस ने पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा कर दिया है, पर कौन कौन गायब हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहाँ ये सामने आई कि ये सारी चीजें कुछ दिनों के गैप में हो रही है और इसीलिए कैप्टन मार्वल को टाइम लग गया अर्थ पर आते आते। तीसरी बात ये कि कैरल जरूर कोई दीवार तोड़ के अंदर आई है क्योंकि एवेंजर्स हेडक्वार्टर में किसी का आसानी से घुसना पॉसिबल नहीं है। तो दुख की बात यहाँ ये है कि वो रिपेयर का खर्चा करने वाला खुद अभी टाइटन पर फंसा है। और चौथी बात ये कि एवेंजर्स को कैप्टन मार्वल को बहुत शांति से सब बताना होगा बिना कोई पंगा किए, क्योंकि शायद वो लोग कैप्टन मार्वल की पावर्स और उसके गुस्से के बारे में नहीं जानते। हालांकि वहाँ थॉर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैप्टन मार्वल जिसके नाम से एवेंजर्स को उनका नाम मिला एवेंजर्स एंड गेम में बड़े कैरेक्टर्स में से एक होने वाली है। तो एंड क्रेडिट्स के बाद हमें दिखता है पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही दिखा। गूज द फ्लर्कन कैट जिसने टेसरेक्ट गटक रखा था वो मूड बनते ही टेसरेक्ट उगल देता है। तो ये चीज तो लिटरली कई बातें सामने लाती है। पहली कि क्री वॉरियर सही थे कि गूस वहाँ सबसे खतरनाक एलियन था। टेसरेक्ट क्यूब जैसे इन्फिनिटी स्टोन होल्ड करने वाली चीजों को मजे मजे में निकल जाना ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि गूस उन गिने चुने बींग्स में से एक है जो कि इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यही हमें समझ आ रहा है कि क्यों शील्ड ने टेसरेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करना इतनी लेट शुरू किया, जबकि टेसरेक्ट हावर्ड स्टार्क के हाथों बहुत पहले लग गया था। हालांकि फिलहाल हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि गूस थैनोस की चुटकी से बचा है कि नहीं। तो गाइस ये थी वीडियो कैप्टन मार्वल मूवी के एवेंजर्स एंड गेम से जुड़ने की। फिलहाल तो ये देखना है कि कैप्टन मार्वल एवेंजर्स के साथ मिलकर कैसे लड़ेगी। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए हो तो आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से हमें गूस एंड गेम में दिखेगा या नहीं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरोज और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप एवेंजर्स एंड गेम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स एंड गेम प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।